हेलो दोस्तों, द एक्शन आर्ट यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और ये है एक्सप्लेन डियो का दूसरा ट्यूटोरियल, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि टेक्स्ट को कैसे स्केच करना है। तो दोस्तों, सबसे पहली बात तो ये है कि हम इसे पेन से स्केच कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको वीडियो स्क्राइब में बताया था। तो सबसे पहले हम इसे स्केच करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ जाएंगे, ये एक टाइमलाइन है, हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे स्केच का ऑप्शन मिल जाएगा, स्केच बाय हैंड। तो हम इसमें क्लिक करेंगे, उसके बाद हम इसका प्रीव्यू देखते हैं। तो दोस्तों, इस तरह से आप स्केच कर सकते हैं टेक्स्ट को। और अगर आपको ये पेन पसंद नहीं आता, ये हाथ पसंद नहीं आता, तो आप हाथ भी चूज़ कर सकते हैं। उसके लिए आपको कैनवास को क्लोज़ करना होगा और यहाँ इफ़ेक्ट पे जाना होगा और यहाँ सेट हैंड पे जाना होगा। जैसे ही आप सेट हैंड पे जाएंगे तो यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे। आपको अपना पेन सेलेक्ट करना है, आप पेन सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको पास कोई पेन है तो आप उसकी SWF एनिमेशन फाइल अगर आपके पास है तो आप इसे ओपन कर सकते हैं, या फिर कोई कस्टम पेन है तो आप उसकी PNG फाइल आप यहाँ से ओपन कर सकते हैं। और जैसे कि अगर मुझे ये वाला पेन पसंद है तो ये देखिए, यहाँ पर कुछ इस तरह से ये स्केच हो चुका है। तो दोस्तों, इस तरह से हमें टेक्स्ट को बाय हैंड स्केच करना है एक्सप्लेन डियो में। तो दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप लाइक शेयर कर सकते हैं। अगर आपको कोई कमेंट करना है तो आप कमेंट कर सकते हैं। और अगर हमारा चैनल द एक्शन आर्ट यूट्यूब चैनल आपको पसंद आया हो तो आप इसे सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, क्योंकि मैं इस तरह की वीडियोस बनाता रहता हूँ। तो दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में आपसे जल्दी मिलूँगा। गुड डे एंड गुड बाय।